पठानकोट के गांव झिलका में मुक्तेश्वर धाम बचाओ संघर्ष समिति की ओर से एक रोष रैली निकाली गई, जिसमें शहर की सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं ने भाग लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए साधु संतों ने बताया कि शपूरकंडी बेराज प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली झील के कारण पवित्र धरोहर मुक्तेश्वर धाम का झील में डूबने का खतरा बढ़ गया है, जिसके इस स्थान में आस्था रखने वाले हजारों लोगों को ठेस पहुंचेगी। इस रैली में पहुंचे डिप्टी स्पीकर दिनेश सिंह बब्बू ने कहा कि इस प्राचीन धरोहर को किसी हालत में लुप्त होने नहीं दिया जाएगा, वह इसे बचाने के लिए सरकार की तरफ से हर प्रकार के प्रयास किए जाएंगे। चीन मंदिर 5500 साल पुराना मंदिर है, झील डूबन जा रहा है, इसनों किसी भी सूरज से बचाया जाए। आज अभी पूरे शहर दियां प्रमुख जथेबंदियां प्रमुख संस्थावां के मुखी लोग जड़े इकट्ठे हुए हैं और इन्हां सारे ने डीसी को जाना है। शहर के विचों दी रूट मार्ग पैदल जाना है। पैदल जाते हुए जगह जगह साडा स्वागत भी करन के संत समाज साडे नाल आएगा। मातृ शक्ति साडे नाल चलेगी और सारी कमेटी और प्रशासन साडा साथ दे रहा है। इस करके अज अं सिर्फ एक रोड एक चेतावनी है प्रशासन कि जेकर शांति में रिका कि जेकर जल्द ही मंदिर को बचाने वास्ते पुख्ता प्रबंध ना किए गए तो यह हिंदुओं की पुरातन धरोहर इन्नी आसानी बनी देना ये वास्ते एक विशाल पहले ही इस सारिया ड्राइंगा बनी दें। एक जरा अपने बंद है वो थोड़ा जहा वो डाउन करे कर देने। दूसरा यह है वो बाल लगाने वास्ते 7 करोड़ रुपये का एक एस्टीमेट बने का कि 7 करोड़ रुपये नाल एक दीवार लगाई है तो उस मंदिर का बचाव और बड़ा जल्दी यदा काम शुरू होना। मैं लाका निवासी इस गल का विश्वास रखना कि हर हाल च मंदिर जरा बचाया। मुक्तेश्वर धाम प्राचीन और इतिहासिक मंदिर है। दंत कथावां के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास के कुछ दिन इसे मुक्तेश्वर धाम च बिताए। सदियों तो लोगों की श्रद्धा का आस्था का विश्वास का भगती का प्रतीक ये मुक्तेश्वर धाम है और हुण बैराज प्रोजेक्ट का जो काम शुरू हो जाना इस सारे मुक्तेश्वर धाम के मंदिर ने डुब जाना। इसलिए अज जिहड़ा ये सारा प्रदर्शन मुक्तेश्वर धाम बचाओ संघर्ष समिति ने किया है उसका उपराले का मतलब इको एक है कि इनू किसी न किसी तरीके ना बचाया जाए। मेरी हुणे दिनेश सिंह बब्बू नाल जो डिप्टी स्पीकर ने पंजाब सरकार दे अंदर उन्होंने गलबात हुई वह कहिंदे जी 7 करोड़ रुपये का खर्चा है इसनू बचाने वास्ते। हिंदू आस्था के प्रतीक नू 7 करोड़ रुपये तो कोई भी नहीं कोई अहमियत ही नहीं रखता। भारत सरकार ने सेतु बंद वो जिहड़ा नाल और नील ने बनाया सी रामायण काल के अंदर अगर उसनू बचाया जा सकता है करुणा निधि की सरकार तो यह मुक्तेश्वर धाम क्यों नहीं बचाया जा सकता। ही डैम के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को मैं अर्ज कर रहा हलचल दे इस टेलीविजन के माध्यम नाल कि वो एक प्रोजेक्ट तैयार करन और 7 करोड़ रुपये की जिहड़ी व्यवस्था दिनेश सिंह जी बब्बू डिप्टी स्पीकर साहब कहिंदे ने उहदी व्यवस्था